यूपी रे भांगिबनी कांग्रेस सपा मेंट उपनिर्वाचन पई सेट हला फॉर्मूला जानंतु किए केते आसन रे लड़िबे यूपी रे भांगिबनी सपा कांग्रेस मेंट निर्वाचन पूर्व उभय दल मध्य रे फॉर्मूला प्रस्तुत होइतबा सूचना मिलिसि। उत्तर प्रदेश रे 10टी विधानसभा आसन रे अनुष्ठित हेबाकु थिबा उपनिर्वाचन पई इंडिया गठबंधन अंश थिबा समाजवादी पार्टी 8टी एवं कांग्रेस 2टी आसन रे प्रतिद्वंदिता करिवो। गाजियाबाद एवं खैर आसन कांग्रेस को मिलिछि। जातीय गणमाध्यम रिपोर्ट अनुसार सपा मुखपात्र राजेंद्र चौधरी गुरुवार कहिसेंति जे उपनिर्वाचन पई होइतबा चुक्तिनामा अनुसार कांग्रेस अलीगढ़ जिल्लार खैर विधानसभा आसन और गाजियाबाद आसन रे प्रार्थी देबो। एपटे कांग्रेस राज्य यूनिट सभापति अजय राय कहिसेंति ए पर्यंत कौनसी सूचना नहीं एवं कांग्रेस 5टी सीट दावी करथुला। मीरापुर आसन उपनिर्वाचन पई सपा निजर प्रार्थी घोषणा करछि। दल ए आसन पई संबुल राणा को प्रार्थी करछि। अखिलेश को सपा ए पर्यंत 7टी आसन रे प्रार्थी घोषणा करछि एवं कांग्रेस पई 2टी आसन छाड़ी। मंगलवार निर्वाचन आयोग अयोध्या जिल्लार मिल्कीपुर विधानसभा आसन को छाड़ी राज्य में खाली थिबा 10टी विधानसभा आसन मध्यरु 9टी उपरे उपनिर्वाचन घोषणा करछन्ति। कोर्टे विचाराधीन थिबा एक आवेदन जोगु मिल्कीपुर आसन पई उपनिर्वाचन घोषणा करा जाय नहीं। एथि मध्यरु 2022 मसीह निर्वाचित विधायक माने लोकसभा निर्वाचन रे सांसद भाव रे निर्वाचित होबा परे 9टी सीट खाली पड़ा। अपराधिक मामला रे सपा विधायक इरफान सोलंकी को दोषी सब्यस्त हेतु सीसामऊ सीट खाली पड़ी। निर्वाचन आयोग अनुजाई नवंबर 13 खाली पड़ा उत्तर प्रदेश विधानसभा आसन गुड़िक उपनिर्वाचन हो 23 नवंबर फलाफल घोषणा कर। रिपोर्ट राइजिंग ओडिशा।